आम का भी एक सीजन होता है, ये बेमौसम ही नहीं टपकते हैं। यह कहना है आरसीपी सिंह का, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका सीधे तंज था तेजस्वी यादव पर, जिन्होंने कहा था कि सरकार 2-3 दिनों में गिरने वाली है और 2-3 महीनों की भी दावा राघोपुर में किए थे। उसके बाद आरसीपी का सीधे हमला करते हैं तेजस्वी यादव पर। वहीं चिराग पासवान के सवालों के जवाब पर भी देते हुए कहते हैं कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसका कहने का मतलब क्या था? इसका कहने का मतलब था कि उन्होंने साफ कहा कि रामविलास पासवान पगडंडियों से चलकर राजनीति के उस मुकाम पर गए थे, और लालू प्रसाद की भी बातें की और उन्होंने कहा कि वह राजनीति बहुत ही मेहनत से ये लोग पहुँचे हैं। मगर इनके जो दोनों सुपुत्र हैं, एक चिराग पासवान जो दिल्ली के राजभवन में बैठे बैठे वहाँ पर से सीखे राजनीति, वहीं से देखे, वहीं एक मुख्यमंत्री आवास में राजनीति सीखे, मगर रामविलास पासवान के बारे में कहे कि वह पगडंडियों से चलकर संसद तक पहुँचे हैं। लालू प्रसाद यादव भी बिहार की राजनीति में काफ़ी नीचे से ऊपर उठे हैं, मगर ये दोनों परिवारवाद और वंशवाद का नेतृत्व कर रहे हैं, इसीलिए कहे कि एक ही थाली के दो चट्टे बट्टे हैं। और इन दोनों को अभी उतनी राजनीति नहीं आती जितनी बातें ये कह देते हैं। साथ ही यह भी कहे कि तेजस्वी अपने विधायकों को खुश करने के लिए कुछ देर के लिए बयान दे देते हैं, मगर उसकी हकीकत वह भी जानते हैं। यह कहना था आरसीपी सिंह का, जो प्रशासनिक सेवा से राजनीति में आए और जदयू के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार के खास भी माने जाते हैं। वहीं साथ ही कहे कि बेमौसम आम नहीं पकता और बेमौसम आम नहीं मिलता, मगर ये लोग बेमौसम ही आम खाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मौसम जब आएगा तभी आम खा सकते हैं। यानी कि जो 5 साल सरकार नहीं चलने की बात थी उसको लेकर आरसीपी सिंह ने कहा कि 5 साल तक ये पूरी तरह से सरकार चलेगी और नीतीश कुमार जी इसका नेतृत्व करेंगे। यही तंज कसने का एक जो बात था आरसीपी सिंह की, वह यह थी कि बेमौसम आम खाने का प्रयास तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और चिराग पासवान की उनकी तारीफ और दोनों की नज़दीकियों को, जो बातों में नज़दीकियां दिखता है, उस सवालों का जवाब देते हुए आरसीपी सिंह ने साफ कहा कि ये दोनों का बैकग्राउंड एक है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यानी कि अपने परिवार के राजनीतिक पीढ़ी को बढ़ाने का प्रयास ये दोनों कर रहे हैं, उसी को लेकर ये बातें कह रहे थे। और नीतीश कुमार, इन तीनों नेताओं को लेकर जो बातें कही कि नीतीश कुमार का जिस प्रकार से फैमिली बैकग्राउंड अभी पॉलिटिक्स में नहीं है, मगर इन दोनों का है, इसलिए इन दोनों में बहुत ही समानता है। तो अब ये बातें भी तय हो गई है कि केवल जदयू नाराज़ नहीं थी एलजेपी से, एलजेपी में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर खुश भी है। उसकी विधानसभा में जो नुकसान पहुंचा है और एलजेपी के वर्तमान कलह को लेकर वह खुश है, मगर चिराग पासवान इसको लेकर कई बातें कह चुके हैं, हम सुनाएंगे अगले भाग में। मगर इस कलह से कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी एक मजबूत राजनीतिक उभार के रूप में अभी बिहार में देखे जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। आप देख रहे होंगे झकास भारत, मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।